कुमाऊं में हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में इन दोनों सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है, लेकिन डिग्री कॉलेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से छात्र एग्जाम छोड़ प्रचार के पास पहुंचे और विरोध किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में धारा 144 लागू है, सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। ऐसे में कॉलेज के बीचों बीच बने सभागार में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी गई? राजनीतिक कार्यक्रम के चलते छात्रों को परीक्षा देने में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ छात्रों ने, एक छात्र मात्र, एक नारेबाजी करते हुए आया मेरे पास। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के आए मेरे पास परमिशन के लिए। मैंने उनको बताया कि हमारे वहाँ परीक्षाएं चल रही हैं और धारा 144 भी लागू है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो कार्यक्रम है पेपर ख़त्म होने के बाद 12 बजे से प्रारंभ करेंगे, और उससे पहले केवल हमारे जो दूर से आने वाले लोग हैं उनका नाश्ता पानी चलेगा। बावजूद उसके दो ढोल वाले महाविद्यालय में आए, उन्होंने एक बार हल्का सा ढोल बजाया तो शायद उस ढोल की वजह से उस छात्र नेता ने उसका विरोध किया। फिर हमने वो ढोल वालों को तुरंत बाहर कर दिया था और कार्यक्रम उनका 12 बजे के बाद चलने वाला था, उन्होंने ऐसा हमको बताया था और विधिवत उन्होंने परमिशन ली थी। और मैंने धारा 144 और परीक्षाओं की जानकारी उन्हें पूरी दी और उनका ये कहना था कि हम विद्यार्थियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, हॉल के अंदर हमारा कार्यक्रम चलेगा और जिसकी आवाज़ हॉल के बाहर तक नहीं आएंगे, हम कोई बाहर से कोई अपना माइक वाइक सिस्टम नहीं लगाएंगे। आज महाविद्यालय में आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, पिछले 28 तारीख से लेकर 15 तारीख तक महाविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं पूरे महाविद्यालय के भीतर पिछले 4-5 दिनों से धारा 144 जब तक परीक्षाएं खत्म नहीं होती है 144 लागू है। और किस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में सभी प्रकार के नियमों को ताक में रख के यहाँ पे नीचे बिल्कुल उनका नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति दी जा रही है, यहाँ भाजपा के प्रोग्रामों की अनुमति दी जा रही है। और किस प्रकार से एक तरफ यहाँ पे कॉलेज के क्लासों में बच्चा पेपर दे रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं अपना कार्यक्रम, यहाँ गाड़ियाँ रोदी जा रही है, यहाँ गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, कॉलेज का बिल्कुल माहौल बिगाड़ दिया गया है। कुछ छात्रों ने, एक छात्र मात्र, एक नारेबाजी करते हुए आया मेरे पास।